नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंड निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। दिवाली बोनस के रूप में मिलेगी एक महीने की सैलरी, साथ में मिलेगा 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, दिवाली माह परवाने में मैच कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान करने जा रही है। इस बीच सरकार ने केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एड हॉक बोनस का ऐलान कर दिया, जिसके तहत पात्र कर्मचारी एक महीने की सैलरी के बराबर बोनस जारी किया जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने जारी करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि एडहॉक बोनस केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं है। यह बोनस ग्रुप सी और बी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोनस कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि इस बोनस का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों की सेवा 31 मार्च 2024 तक होना जरूरी है। इसके साथ चालू साल में 6 महीने तक लगातार सेवा में होना चाहिए। आपको बता दें, जिन कर्मचारियों ने 1 साल से कम समय तक काम किया है उन्हें प्रो डाटा बोनस का लाभ दिया जाएगा। यह उन्हीं की सेवा में बिताए गए महीने के आधार पर तय होगा। बोनस को कैलकुलेट करने के लिए कर्मचारी की एवरेज सैलरी को 30.4 से विभाजित करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे 30 से गुना कर दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की मान लो कि मंथली सैलरी 20,000 रुपये है तो उसे बोनस के रूप में करीब 19,737 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जिन डेली वेज वर्कर्स ने लगातार 3 वर्ष तक काम किया और प्रत्येक वर्ष 240 दिन तक काम किया है तो उन्हें 1200 रुपये महीने के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।